हेलो फ्रेंड्स, आई एम सलोनी। वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं आपको बताती हूँ मेकअप से रिलेटेड, स्किन से रिलेटेड एंड ब्यूटी से रिलेटेड सभी प्रकार के टिप्स एंड नॉलेज। तो आज हम कुछ करने वाले हैं अमेजिंग एंड कुछ अच्छे से DIY ट्राई करेंगे। तो DIY मीन्स, सबसे पहले मैं बता दूँ, डू इट योर सेल्फ, जो आप खुद से कर सकते हो इसको DIY बोलते हैं, खुद से तैयार कर सकते हो इसको DIY बोलते हैं। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाली हूँ कुछ बहुत ही अच्छा हेयर मास्क। तो आप इसको अप्लाई करके अपने बालों को बहुत ही अच्छा स्मूथ बना सकते हो, सिल्की बना सकते हो, और थोड़ा सा हेयर स्पा जैसा फीलिंग आएगा। बहुत ही अच्छा हेयर मास्क है और ये आपकी किचन में अवेलेबल है, तो आप आराम से इसको ट्राई कर सकते हो। ट्राई करने में क्या जाता है, तो चलिए शुरू करते हैं। मैं क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करने वाली हूँ, क्या क्या किचन से रिलेटेड, किचन में जो जो अवेलेबल है मैं क्या यूज़ करने वाली हूँ, वो सब मैं आपको बताऊँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो मैं कुछ ये सब यूज़ करने वाली हूँ। ये है फिगोरो ऑलिव ऑयल, बहुत ही अच्छा ये ऑयल है हेयर्स के लिए, फेस के लिए। एंड आप जानते हो ये कोकोनट ऑयल है, और ये आपको पता है कि हमारे इंडिया का बेस है, बेस ऑयल है, इसको सब लोग जानते हैं और सब अप्लाई करते हैं इसको। तो ये बहुत ही अच्छा ये भी ऑयल है, हम ये यूज़ करेंगे। और एक यूज़ करेंगे लेमन, एक नहीं हाफ यूज़ करेंगे, एंड एलोवेरा जेल, एंड वन एग यूज़ करेंगे, एंड स्पून एंड बाउल। बस इतना ही हमें यूज़ करना है, और मुझे लगता है आप आराम से इसको यूज़ कर सकते हो, ये बहुत ही इजी एंड सिंपल है। तो चलिए जल्दी जल्दी हम अपने मास्क को तैयार कर लें। तो मैंने अपने एक को इसमें ले लिया है, और मैंने येलो वाला जो पार्ट होता है उसका ना, वो मैंने नहीं लिया, बट थोड़ा सा आ गया निकालने के टाइम। आप अच्छे से केयरफुल होके सिर्फ वाइट वाला जो इसका पार्ट होता है ना, वही आपको निकालना है, वाइट एग निकालना है और कुछ नहीं निकालना है। और ये बहुत ही अच्छा है, ये आपके हेयर्स को प्रोटीन प्रोवाइड करेगा और बहुत ज़्यादा सिल्की बनाएगा। और जो सेकंड स्टेप है, तो हम लेंगे कोकोनट ऑयल। मैं यहाँ ले रही हूँ 1 स्पून कोकोनट ऑयल, मैंने ले लिया है, तो मैंने ले लिया है इतना 1 स्पून। बहुत ही प्रॉब्लम के साथ मुझे फेस करना पड़ा तब मैंने इसको निकाला, क्योंकि विंटर सीजन है और कोकोनट ऑयल पूरा जम चुका था, गाढ़ा हो चुका था, तो इसको निकालने में मुझे बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करने पड़े, और तब जाके मैंने इसको निकाला। और मैं इसको इस एग वाइट में इसको डालूंगी, ये गया। और अभी मैं इसको मिक्स करने वाली नहीं हूँ, मैं इसको मिक्स करूँगी बट ऑलिव ऑयल डालने के बाद, सब कुछ डालने के बाद एक बार मैं इसको मिक्स करूँगी। मैं ले रही हूँ ऑलिव ऑयल, फिगारो का है, बहुत ही अच्छा है, और 2 टेबल स्पून लूँगी। आप थोड़ा बड़े स्पून में इसको लेना, और छोटे स्पून से ले रहे हो तो 3 या 4 स्पून आप ले सकते हो। अभी मैं ऐड करने वाली हूँ एलोवेरा जेल, पतंजलि का एलोवेरा जेल है, और इसको मैं ऐड करूँगी। सॉरी फॉर साउंड, ओह माय गॉड। इसको आप लेना है 1 स्पून, और जो लास्ट इंग्रेडिएंट है वो है लेमन। हम लेमन लेंगे, लेमन इसलिए लेंगे क्योंकि जो इसका स्मेल है ना, एग का स्मेल है, वो ख़त्म हो जाएगा इसलिए, और डैंड्रफ की जो प्रॉब्लम होती है ना, वो भी सॉल्व हो जाएगी। और अभी हम करेंगे इसको मिक्स। अच्छे से मिक्स करेंगे। तो ये हेयर मास्क हमारा रेडी है, और आप देख सकते हो ये बहुत ही अच्छा है, इसका आप देख सकते हो इसकी थिकनेस बहुत अच्छी है, और ये बहुत ही अच्छा है। मिक्सचर आपको अच्छे से मिक्स करना है, और उसके बाद ये बहुत ही अच्छा हमारे स्किन, हमारे हेयर के लिए मास्क तैयार हो जाएगा, और बहुत ही अच्छा हमारे हेयर्स को एक नया जान दे देगा। हमारे हेयर डैमेज हुए हैं या जो भी आपको प्रॉब्लम है हेयर से रिलेटेड, ये सब खत्म हो जाएगी। पर वीक आपको ट्राई करना पड़ेगा, और ये बहुत ही अच्छा हेयर मास्क है, आप इसको ज़रूर ट्राई करना। और इसमें है ऑलिव ऑयल, कोकोनट ऑयल, एग वाइट है, एंड लेमन है, एंड एलोवेरा जेल है, इतने सारे नेचुरल्स इंग्रेडिएंट है, तो आप आराम से इसको ट्राई कर सकते हो, और बहुत ही अच्छा है। और ऑलिव ऑयल है जो हमारे बाल को डीप कंडीशनिंग करेगा, एंड लेमन है जो डैंड्रफ से फाइट करेगा, एलोवेरा जेल एज यू नो हमारे बाल के लिए बहुत ही अच्छा होता है, कोकोनट ऑयल ये बेस है हमारे हेयर के लिए। सोच सकते हो कितना ही आपको फ़ायदा होने वाला है इस हेयर मास्क से। मैंने अपने बालों को कलर कराया है, और मेरे बाल डैमेज हो गए हैं, तो थोड़ा सा इसको केयर भी करना पड़ता है। और आपके कुछ भी बाल हैं, आपके बाल जैसे भी हैं या आपके बाल ठीक भी हैं, तो आपको ज़रूर ट्राई करना चाहिए। इससे आपके बाल लंबे समय तक सिल्की, स्मूथ, शाइनिंग, फिजी फ्री रहेंगे,
तो आप जरूर इसको ट्राई कर सकते हो, बहुत ही अच्छा है। तो मैं इसको अपने हैंड से अप्लाई करूंगी। पहले मैं स्पून को रख देती हूँ, बहुत परेशान कर रहा है ये स्पून। ओके, एंड मैं इसको अपने हैंड से अप्लाई करूंगी। बहुत ही अच्छा हेयर मास्क है, और इसमें लेमन है, एलोवेरा है, ऑलिव ऑयल है, कोकोनट ऑयल है, तो ये सब जो है ना, इससे इसकी जो एग है ना वो लग नहीं रहा है कि इसमें एग है, और इसकी स्मेल बिल्कुल भी नहीं आ रही है। बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है सीरियसली। तो मैं इसको अप्लाई करके आपको दिखाती हूँ। और अच्छे से थोड़े मसाज कर लेना अपने स्कैल्प को, और पूरे अपने हेयर में अच्छे से अप्लाई करना। ये जो मास्क है आपके पूरे हेयर में अप्लाई होने चाहिए। आप अच्छे से अप्लाई करके और एक बन बना लेंगे। आप देख सकते हो मैंने बनाया है, और मैंने ऑफ कैमरा बनाया क्योंकि मैं अपने फ़ोन को टच नहीं कर सकती थी एक्ट के हैंड से, इसलिए मैंने ऐसे ही बना लिया, ऑफ कैमरा बनाया बन, आप देख सकते हो। और अच्छे से बनाना है और अच्छे से पूरे अपने बाल में अप्लाई करना है, ताकि अच्छे से जो मास्क है वो आपके हेयर में चला जाए। और इसके बाद आप देख सकते हो जब आप शैम्पू करोगे तो आप देखोगे रिजल्ट, बहुत ही अच्छा रिजल्ट आप देख सकते हो, बहुत अच्छा। तो मैंने हेयर मास्क अप्लाई कर लिया है, और इसके बाद मैं शैम्पू करूँगी। आधे घंटे बाद मैं शैम्पू करूँगी अपने बालों को, और बहुत ही अच्छे मेरे बाल हो जाएंगे, ये मुझे पता है। और आप भी ट्राई करना, श्योर मैं बोलती हूँ आपके आधे से अधिक हेयर प्रॉब्लम्स दूर हो जाएंगे। तो ये बहुत ही अच्छा हेयर मास्क है, आप इसको ज़रूर अप्लाई करना। और अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना एंड सब्सक्राइब करना। सब्सक्राइब के पास में एक बेल आइकन होता है, उसको हिट जरूर कर देना, जो भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँ उसकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँच जाए। टिल देन बाय बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।